तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस टाइम फिलहाल चिड़ियाघर। आप देख सकते हैं वो गेट है चिड़ियाघर का, वहाँ पर लोग भी खड़े हैं। अंदर जाने की जो है टाइम हो चुका है, तो जाते हैं। और हाँ, और एक ख़ास बात बता दूँ दोस्तों, कि मंगलवार को यहाँ का चिड़ियाघर जो है बंद रहता है जम्मू का, तो आप लोग प्लीज़ मंगलवार को मत आइएगा, बाकी टाइम आ सकते हैं टेंशन के बगैर। तो चलो चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर और मिलते हैं चिड़ियाघर के अंदर। तो फिलहाल हम जो है टिकट काट लिए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो टिकट है, हम टिकट ले लिए हैं अभी तक। हाँ, जो यहाँ का जो इस पार्क का जो नाम है, तो क्या नाम है इसका, असल में है मंदादिर पार्क, ठीक है। तो आप जम्मू में कहीं से भी अगर बस से आएगा या कहीं से भी आएगा, अब बोल दीजिएगा मंदादिर पार्क जू जाना है, तो आप सबको जो है लेकर के आ जाएगा। और बस वाले, बस से भी आइएगा तो बस आपको वहीं पर जो जस्ट गेट के पास ही छोड़ देगा, ठीक है। तो वहाँ से आसानी से आप अंदर आ सकते हैं। ये जो डैम है, ये बतख का है, बतख है का डैम है, और बतख भी है अंदर, लेकिन बहुत ही कम साफ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि वो बतख है, और इस पिंजरे के अंदर जो है वो शुतुरमुर्ग है, जो फल खाते हैं, और फल के बीज जो है कहीं और जा करके जो है उसका बीट करता है, जिससे जंगल फैलता है। और ये जंगल फैलाने में बहुत ज़्यादा इसका योगदान होता है, इस जानवर का। तो ठीक है दोस्तों, दिखाता हूँ आपको दूसरा कुछ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें सांप है बैठा हुआ अजगर, और दूसरा ये कोबरा सांप है, देख सकते हैं आप, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर कोई सांप नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये पंछी है, ये बड़ा चोच वाला पंछी है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ इस टाइम ये क्या है। तो बहरहाल आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा उधर मोर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मोर है सामने। तो दोस्तों आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि वो देखो सारे के सारे लोग मोर देख रहे हैं। ये देखिए एक सामने मोर आ चुका है हमारा, ये देखिए मोर, ओ हो क्या खूबसूरत है। ये देखिए ये कुछ खा रहा है। ओ मोर जी क्या खा रहे हैं आप, अरे हमें भी तो दिखाओ। ओ हो, ये देखिए 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 दोस्तों, हमारा कैमरा जो है आया वो अपना सिर जो है ऊपर कर दिया, और आप लोगों को देखने का जो है मज़ा आ रहा है। देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है हमारे सामने। ओ हो, इसको देखो रंग बिरंगे मोर कितना खूबसूरत लगा, बहुत बड़ा मोर है यार कसम से। ओ हो, देख सकते हैं आप लोग। हाँ दोस्तों, और एक मोर है यहाँ पर, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कहीं नहीं जाइएगा हमें छोड़ कर। ये देखिए, ओहो क्या खूबसूरत है कसम से। ओहो, दिल करता है कि उसको पकड़ लूँ, लेकिन क्या करें, जाली के अंदर है, पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे अंडर। ये देखिए देखिए, ये सुनिए इसकी आवाज़। ओहो हो, वाह क्या खूबसूरत आवाज़ है इसका, वाह चबास। तो चलो दोस्तों आप सबको अब दिखाते हैं टाइगर, क्योंकि टाइगर का घर भी यहीं से नज़दीक है। हेलो दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं टाइगर के पास। तो देख सकते हैं आप, टाइगर यहाँ पर बैठा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओहो देखिए, कुछ बोल नहीं रहा है, अरे कुछ तो बोलो। हेलो हेलो टेढ़ साए टाइगर जी, इधर आइए। हेलो हेलो भाई, ये अपने आप में मस्त है। फिलहाल देखिए आप बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, हमने सोचा था कि कैमरा को अपने पास करीब करेंगे तो उसको आवाज़ आएगा, लेकिन कहाँ नहीं आ रहा। बहरहाल ना हिल रहा ना डोल रहा, थोड़ा बहुत हिला। अभी रेवा क्या बात है, थोड़ा सा हिला। चलो हमें हमारी खुशनसीबी कि हम इसको देखे और ये थोड़ा सा हिला, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, जब नज़दीक से देखेगा ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हालांकि हमें लग रहा है कि भाई जंगल होता तो अगर हमें डर जाते हम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। चलो ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं कुछ नया, क्योंकि यहाँ पर भालू का भी जो है घर वो नज़दीक में है। तो दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर ये बियर यानी कि भालू, उसका यहाँ पर पिंजरा है, देख सकते हैं। और बारिश से बचने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा कमरा भी बना दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं ब्लैक है, लेकिन बहुत बड़ा ही है, प्यारा लगता है, खूबसूरत लग रहा है। हाँ, और ये हमारे मुझे देख करके हमारे तरफ आ रहा है, ये देखिए। हाँ, और ये फिर वापस जा रहा है, यानी कि इस टाइम उसका शायद वॉकिंग का टाइम होगा, इसलिए ये आता है और जाता है शायद, है ना, क्योंकि ये रुकने का काम नहीं करता। तो दोस्तों बेहतर ये, और दूसरी साइड देखिए पेड़ भी लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग बने रहिए वीडियोस में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने हिरन को देखा है और बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। आप लोग वीडियो में बने रहिए प्लीज़, कह लीजिए। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हो आप, ये बैठा हुआ है, ये देखिए बहुत ही करीब है ये। और भी और एक बड़ा है, अरे यहाँ पर बहुत सारे। ओहो वो देख सकते हो आप, वो देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा करीब है। आप लोग वो थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए
इसका देखिए, ये देखिए कितना कितना सिंह है इसका, आप लोग गिन सकते हैं कि कितना सिंह है। 1 2 3 4 5 6 सिंगों वाला हिरन आप देख सकते हो यहाँ पर बैठा हुआ है आराम से एकदम, जो भाई देख सकते हो। ये देखिए ये वाला पूरा करीब है, ये हिरन का बच्चा है अभी, हाँ बच्चा नहीं है हालांकि बहुत ही बड़ा है, लेकिन पता नहीं इसका सिंह क्यों नहीं उठा है ये। अच्छा इसमें दो हो जाते होता ना, हाँ तो एक का सिंह होता दूसरा का सिंह नहीं होता है, नरका सिंह होता है मादा, नहीं नरका सिंह नहीं होता, मादा का सिंह होता भाई, नरका जो है वह सिंह नहीं होता है, तो वही है ये। तो देख सकते हो यहाँ पर बैठा हुआ है, हाँ और ये जा रहा है, और थोड़ा आप सबको यहाँ पर थोड़ा और दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए कितना सारा है ये बैठा हुआ है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों देख सकते हैं आप के इस साइड में नील गाय, दो नील गाय है हमारे सामने, और एक रेड कलर का है दूसरा ब्लैक है, और देख सकते थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ओहो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है खूबसूरत। और ये पानी पीने के लिए तालाब बनाया हुआ है, वो अंकल देखिए वहाँ करके बैठा, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं नील गाय, आपको ऐसा कहीं जंगल में दिखे तो समझ जाना कि नील गाय है। ये देखिए दोस्तों वो नील गाय ब्लैक वाला उसके पास चला गया है अंकल के पास, और वो पानी डाल करके उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये देखिए, हालांकि कोई घातक नहीं है, ये भी उसको भी लगा होगा कि चलो पानी के पास चलते हैं थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं। चलो ठीक है दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है रैबिट यानी कि खरगोश, और यहाँ पर तीन है, ये लगता कि पूरा फैमिली है इसके अंदर, उसका बनाया हुआ घर, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा दोस्तों देखिए 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 देख करीब करके दिखा रहा हूँ, ओह कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो ठीक है दोस्तों अब इसके ऊपर ईगल बैठा हुआ, तो मैं आप सबको ईगल को दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ईगल यानी कि चिल्हा, एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा खतरनाक लग रहा है। देखिए दोस्तों नीचे जो है खरगोश का जो है पिंजरा है, और ऊपर ईगल बैठा हुआ है। दोस्तों फिर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर हमको फिलहाल हम ढूंढ रहे थे आप सबके लिए वो जलहाथी, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पर भी जलहाथी है लेकिन मिला नहीं। तो दोस्तों चलो ठीक है, बस आज का वीडियो में बस इतना ही, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मंदादिर पार्क जम्मू का चिड़ियाघर कैसा लगा आप सबको। तो दोस्तों तो ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।